आज के कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, संसद में मेरे सहयोगी और अभी प्रतिपक्ष के नेता श्री अखिलेश यादव जी, वित्तीय और संसदीय कार्य मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी, उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश के सभी माननीय यशस्वी विधायकगण, देश की राजनीतिक और सांस्कृतिक हृदय स्थली उत्तर प्रदेश गोमती नदी के पावन तट पर, जहां देश की अलग अलग नदियां मिलती है, एक ऐतिहासिक प्रदेश, एक गौरवशाली प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और राजनीतिक चिंता का केंद्र रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से लेकर अभी तक उत्तर प्रदेश की इस पवित्र भूमि में हमारे सभी राजनेताओं ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए यशस्वी काम किए हैं। मैं इस मौके पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने पुनः मुख्यमंत्री के रूप में, सदन के नेता के रूप में अपना दायित्व संभाला है। बहुत अपेक्षाएं, आशाएं, विश्वास के साथ जनता ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार को मौका देने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सदन के नेता के रूप में इस प्रदेश के समावेशी विकास के लिए सभी दलों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए उनका योगदान रहेगा और देश के अंदर उत्तर प्रदेश सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक नया युग शुरू करेगा। मैं इस मौके पर हमारे विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी को भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व संभाला है। उनका राजनीतिक, संसदीय एक दीर्घ अनुभव रहा है। मुझे आशा है इस अनुभव का लाभ सभी माननीय विधायकों को मिलेगा और उनके सतत मार्गदर्शन में ये विधानसभा अपने पूर्व अध्यक्षों के रूप में एक गौरव को अनुभव करेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 47 से ज्यादा माननीय महिला विधायक,
128 से ज्यादा माननीय नए विधायक और 200 से ज्यादा फिर चुनकर आए विधायक, उन सभी माननीय विधायकों का जो 18वीं विधानसभा के अंदर चुन के आए, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे आशा है सभी माननीय विधायक इस गौरवशाली विधानसभा के परंपराओं को, उच्च मर्यादाओं को, गरिमा को बनाए रखेंगे और किस तरीके से सामूहिक रूप से मिलकर इस उत्तर प्रदेश का समावेशी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए अपना योगदान निश्चित रूप से देंगे। साथियों, हम आजादी की 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा से गुजर रहे हैं और इस 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा में हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है, जनता का विश्वास भरोसा हमारे संसदीय लोकतंत्र के प्रति और बढ़ा है और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो शायद विश्व की सबसे बड़ी राज्य की विधानसभा होगी, इस विधानसभा के अंदर निश्चित रूप से यहाँ के नेताओं ने, यहाँ से निकले हमारे प्रधानमंत्रियों ने इस देश का गौरव सम्मान बढ़ाया है। ये प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर वर्तमान प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश के हैं और 9 से ज्यादा प्रधानमंत्रियों ने इस देश का नेतृत्व किया है। इसलिए राष्ट्रीय राजनीति के अंदर भी उत्तर प्रदेश की हमेशा विशेष भूमिका रही है और उत्तर प्रदेश विधानसभा की भी सभी विधानमंडलों के मार्गदर्शन में विशेष भूमिका रही है। मैं इस मौके पर सतीश महाना जी को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने पूरे देश को, विधानमंडल को एक दिशा दी है। ई विधान के माध्यम से सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग कर हम किस तरीके से विधानमंडलों को जनता के प्रति और जवाबदेही बना सकते हैं और हमारे विधायकों को सूचना प्रौद्योगिकियों की संपूर्ण जानकारी के साथ तर्क से अपनी बात कहने का मौका देंगे। निश्चित रूप से आज जो ई विधान और कंप्यूटराइज का शुभारंभ हुआ है, निश्चित रूप से सूचना और प्रौद्योगिकी का लाभ हमको भी मिलेगा और प्रदेश की जनता को मिलेगा। साथियों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जब आजादी प्राप्त हुई थी तो हमारे सामने एक चुनौती थी कि हम शासन चलाने की कौन सी पद्धति अपनाएं, लेकिन हमारे मनीषियों ने, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू ले लें, बाबा साहब अम्बेडकर ले लें, तमाम नेताओं ने बड़ी सूझबूझ के साथ संसदीय प्रणाली अपनाई। आज दुनिया के अंदर शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है तो संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली है और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि इस समय हमारी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम किस तरीके से इस संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से अपने दायित्वों को निभाते हुए जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, विश्वास, भरोसे को कायम रखें। जनता ने बहुत विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आपको चुनकर भेजा है और प्रतिनिधि सभा के रूप में आप लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
किस तरीके से आप उनकी चिंताओं को, उनके अभावों को, उनकी कठिनाइयों को, उनको समस्याओं को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं। ठीक कहा मुख्यमंत्री जी ने कि ये सदन एक ऐसा केंद्र है जहां पर पूरे राज्य की जनता की भावनाओं का, 25 करोड़ लोगों की भावनाओं की, उनकी चिंताओं की, उनके अभावों की, उन कठिनाइयों का अगर एक साथ एक जगह उन सब का समावेश हो सकता है तो विधानसभा और संसद में हो सकता है। और इसीलिए इन विधान मंडलों का हम किस तरीके से चर्चा और संवाद के अंदर सार्थक उपयोग करें ताकि समाज में अंतिम व्यक्ति जो बैठा है उसकी अभावों को, उनकी चिंताओं को, उनके आंख के आंसुओं को हम पहुंच सकें और उसके जीवन के अंदर एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ला सकें। बाबा साहब अंबेडकर जी ने सही कहा था कि हमें राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ हमें सामाजिक लोकतंत्र भी लाना पड़ेगा। अगर हम राजनीतिक लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें सामाजिक लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, तभी देश के अंदर राजनीतिक लोकतंत्र मजबूत होगा। समाज के सभी लोगों की, वंचित, गरीब, पीड़ित, शोषित व्यक्तियों की आवाज हमारी विधानसभा में हमारे प्रतिनिधि बनते हैं और शासन भी उन वंचित, गरीब, अभाव लोगों की समस्याएं जो सदन में उठती है उसका सार्थक रूप से, सकारात्मक रूप से लेकर अपनी नीतियों और कार्य योजनाओं को बनाता है। और इसीलिए मुझे आशा है कि इस विधानसभा की जो गौरवशाली परंपरा रही है, परपाटियां रही है, यहां के नियम प्रक्रिया रही है, उन नियम प्रक्रियाओं, परपाटी परंपराओं का आप उपयोग कर समाज के अंतिम व्यक्ति तक के जीवन को परिवर्तन करने के लिए एक सार्थक चर्चा संवाद करें। यह सदन चर्चा संवाद के केंद्र होने चाहिए। जितनी चर्चा होगी, संवाद होगी, बातचीत होगी, तर्क होंगे, उतने ही हम उस मंथन में से अमृत निकालकर उस जनता का कल्याण कर पाएंगे। इसीलिए संसदीय प्रणाली चर्चा और संवाद का केंद्र है। मैं इसलिए विशेष रूप से आपसे आग्रह करता हूं, हमारे पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी इस बात की चिंता की है कि धीरे धीरे जिस तरीके से सदनों में हंगामा, नारेबाजी, तख्तियां, जिसके कारण सदनों की गरिमा गिरती जा रही है, सदन की गरिमा बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। और क्योंकि ये प्रतिनिधि लोकसभा और विधानसभाएं होती है, इसलिए प्रतिनिधियों के आचरण और व्यवहार के आधार पर सदन की गरिमा बढ़ती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हमें इस 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर देश के इन विधान मंडलों की मर्यादा गरिमाओं को बनाए रखने के लिए, जहां उच्च कोटि की चर्चा हुई, संवाद हुई है, हमारे व्यवहार आचरण ऐसा होना चाहिए कि हम तर्कों से बात करें, अपनी जनता की समस्याओं को ठीक से रखें और बेहतरीन राजनेता इन्हीं विधानसभाओं, लोकसभाओं से वो निकले हैं जिन्होंने तर्कों के आधार पर विधानसभा और लोकसभा में अपनी बातों को कहे। और देश के अंदर कई नेता जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ रूप से अपने तर्कों के बात कहकर आज देश के नेता बने, तो विधानमंडल और लोकसभा देश के सर्वश्रेष्ठ नेता बनाने का भी एक माध्यम, एक मंच है। और मुझे आशा है कि आप इसी दिशा के अंदर काम करेंगे। मैं
इस मौके पर एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, संसद और विधानमंडल का मूल काम कानून बनाने का भी, और ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा का अपना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण कानून विधानसभा में बनाकर लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन के अंदर व्यापक परिवर्तन किए, उनको संवैधानिक अधिकार के साथ उनका जीवन सरल हो, सहज हो, कानून की मदद के माध्यम से उनको त्वरित गति से न्याय मिल सके, इसके लिए इस विधानसभा का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि कानून बनाते समय हमें व्यापक चर्चा करना चाहिए, संवाद करना चाहिए, कानून बनाने के पहले भी हम जनता से इनपुट लें, जनता से संवाद करें, जितनी अच्छी कानून बनाने में चर्चा संवाद होगा, तर्क होंगे, सरकार को भी मार्गदर्शन मिलेगा, और जिस जनता के कल्याण के लिए कानून बना रहे हैं उस जनता का भी कानून बनने से कल्याण होगा। देश की सरकार हो चाहे राज्य की किसी भी दल की सरकार हो, हर सरकार का एक ही मकसद रहता है कि हम कानून बनाकर लोगों को संवैधानिक अधिकार दें, न्याय का अधिकार दें, जो जीवन में उनकी कठिनाइयां परेशानियां दैनिक जीवन में आती है उसको सरलता दें। और इसीलिए अब कानून बनाते समय जिस तरीके से चर्चा संवाद की कमी आ रही वह हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे नए माननीय विधायक हैं उनको पुरानी चर्चाएं डिबेटें उनका भी अनुभव प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ई विधानसभा होने के बाद और जिस तरीके से हमने एक प्रयास किया एक देश एक विधायक प्लेटफॉर्म, जिस पर आपको पूरी देश की विधानसभाएं लोकसभा राज्यसभा सारे सदनों की कार्रवाई आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिलने लगेगी, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किस कानूनों पर किस तरीके की चर्चा हुई, संवाद हुई। जितनी आप पुरानी डिबेटों का अध्ययन करेंगे, रिसर्च करेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से कानून पर आप चर्चा कर पाएंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से अपेक्षा है कि आप उन डिबेटों चर्चाओं का अध्ययन करें, रिसर्च करें, और अधिकतम समय विधानसभा में बैठने का हमें प्रयास करना चाहिए। जितनी देर आप विधानसभा के अंदर बैठेंगे आपको उतनी देर अनुभवी विधायकों का मार्गदर्शन मिलेगा, उनके द्वारा कई बातों तर्कों को आपको समझने का मौका मिलेगा, ताकि आप भी ठीक तरीके से अपनी बातों को तर्कों को रखेंगे। क्योंकि मैं अभी नया अनुभव देख रहा हूं कि विधानसभा के अंदर बैठने की उपस्थिति की संख्या कम होती जा रही है, यह हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें जनता ने चुनकर भेजा है इस विधानसभा के लिए, विधानसभाओं की कार्रवाई में भाग लेकर उनकी बातों को उनकी कठिनाई के लिए, तो मैं आग्रह है कि आप इस दिशा की ओर भी काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि देश और दुनिया की सबसे बड़ी विधानसभा चर्चा संवाद का वह केंद्र बने जो सभी विधानसभाओं का मार्गदर्शन कर सके। मैंने माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि हम किस तरीके से जब नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं, इतने कम समय के अंदर, इस डेढ़ महीने के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरीके से ई विधान और पेपरलेस विधानसभा की ओर कदम बढ़ाए, निश्चित रूप से उसी दिशा के अंदर हमारी लाइब्रेरी, हमारा संग्रहालय देश और दुनिया का सबसे संग्रहालय होना चाहिए, हमारी रिसर्च विंग एक बेहतर रिसर्च विंग होना चाहिए,
हम हमारे विधायकों की कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए समय समय पर देश के बड़े बड़े विवादों का समय समय पर प्रबोधन कार्यक्रम होना चाहिए, ताकि हम हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग करते हुए हमारे विधायकों की तर्क चर्चा को तीव्र संवाद के रूप में परिवर्तन कर सकें, एक बेहतर चर्चा संवाद कर सकें। इसके लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी हमें व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। साथियों, जैसा कि नेता सदन ने बताया, प्रतिपक्ष के नेता ने भी बताया कि सूचना प्रौद्योगिक का जितना उपयोग शासन और प्रशासन में होता है, उतनी शासन और प्रशासन में पारदर्शिता आती है। उसी तरीके से हम भी अगर विधानसभाओं के अंदर जितना सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे, उतना ही अच्छा तर्क संवाद चर्चा कर पाएंगे। इसलिए इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नया परिवर्तन देश के अंदर हुआ है कि किस तरीके से हमने सूचना प्रौद्योगिकी को परिवर्तन करके शासन को जवाबदेही बनाया, प्रशासन को पारदर्शिता बनाई और एक ईमानदार शासन हो, बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के, जितना मानव संसाधन का उपयोग कम होगा, जितनी तकनीकी का उपयोग होगा, उतनी शासन प्रशासन के अंदर पारदर्शिता आएगी। और इस देश के रूप में प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के ने इस दिशा के अंदर व्यापक प्रयास किया है, लोगों की जवाबदेही के साथ काम किया है। मुझे आशा है कि चाहे सत्ता में बैठे हैं चाहे प्रतिपक्ष में बैठे हैं, हम सबका एक ही ध्येय और एक ही लक्ष्य है कि हम किस तरीके से हमारे प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन ला सके, कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन के अंदर एक व्यापक परिवर्तन लाकर समाज के वंचित, गरीब, अभाव में रहने वाले लोगों के जीवन परिवर्तन कर सके, इसके लिए हम यहां विधानसभा में आए हैं। मुझे आशा है इस विधानसभा में इसी दायित्वों का हम निर्वहन करते हुए प्रदेश के समावेशी विकास के लिए अपनी संपूर्ण ऊर्जा से, अपने कठोर परिश्रम से, निष्ठा से, प्रतिबद्धता के साथ, एक सकारात्मक चर्चा के साथ इस प्रदेश का व्यापक विकास करेंगे और आने वाले समय के अंदर इस देश और दुनिया के अंदर इतना बड़े राज्य के अंदर हम किस तरीके से समावेशी रूप में संपूर्ण क्षेत्र का, सभी लोगों का विकास करने के लिए इस विधानसभा के अंदर सामूहिकता के साथ मिलकर काम करेंगे, चाहे पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन सब सामूहिकता से इस बात की जिम्मेदारी मानते हैं कि मेरा प्रदेश कैसे आगे बढ़े और उसमें मेरा क्या योगदान हो। इसके लिए मुझे आशा है सकारात्मक रूप से पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करेंगे। जहां पर शासन और प्रशासन में कुछ कमी आएगी, इस विधानमंडलों के माध्यम से प्रतिपक्ष के रूप में हमारी भूमिका रहेगी कि शासन में जवाब दे रहे, प्रशासन में पारदर्शिता रहे, इसके लिए भी हम सजग प्रतिनिधि के रूप में काम कर सामूहिकता के साथ, सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ, सामूहिक संकल्प के साथ इस उत्तर प्रदेश को देश का सबसे आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करने वाला प्रदेश और सबसे सर्वांगीण विकास, क्योंकि आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हर राज्य के अंदर है और जिस कठोर परिश्रम के साथ वह जिस राज्य में रहता है उस राज्य के विकास में उसका योगदान रहता है। और दुनिया के जितने भी देशों के अंदर मैं गया हूं, वहां भी उत्तर प्रदेश के लोगों का उस देश के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस सामूहिकता के साथ मिलकर इसको काम को करेंगे। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।